बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं पाए बनाने लगी थी, तो पाए बनाने से पहले मैंने उसका मसाला तैयार किया करने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किए जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मज़ेदार सी चीज़ बना रहा है तो दूसरे को भी तो शेयर करनी चाहिए ना। तो ये मसाला बहुत ज़बरदस्त है, मैंने बनाए पाए बहुत अमेजिंग बने थे। मतलब हम जो बाहर का पाया मसाला यूज़ करते हैं ना, उससे तो 90% बेहतर बने थे, बेहतर नहीं बहुत मज़ेदार बने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी YouTube फैमिली से भी शेयर करूं। आइटम मसाला तो बना रही हूं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। तो पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर इसको ठीक है पहले आगे बनाते हैं। इसमें ये तेज़पत्ता है, ये दालचीनी है, ठीक है, ये ज़ीरा है, वही 1 टेबल स्पून है, ये भी 1 टेबल स्पून है, टेबल स्पून ही ना। और ये कुछ 6-7 ये गोल मिर्ची हैं, ठीक है, और ब्लैक पेपर है 10-12, ये लौंगे भी 10-12 हैं, ये जायफल जावित्री है जी, जावित्री, ये 2 अदद जावित्री ली है मैंने ना, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। और ये जी हैं कार्डिमन मींस के इलायची, ये भी तकरीबन 6-7 हैं। बस ये चीज़ें ली हैं मैंने, अब इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, खुशबू आने लग जाएगी, ठीक है। चलें जी, पहले हम इसको फ्राई करते हैं। और साथ में ये मैंने ड्राई मसाले भी लिए हैं, हल्दी है, सुरख, ये कश्मीरी सुरख मिर्च है, ये स्पाइसी नहीं होती है, सॉल्ट लिया है थोड़ा सा, ठीक है। और ये पत्री वाली मिर्च मेरी फेवरेट है, तो मैं हर खाने में डालती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ओके लें जी, मैंने पैन रख दिया और ये सारे मसाले भी के, ठीक है, 1-2 मिनट में ये सोते हो जाएंगे, तकरीबन 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये जो मैंने इसमें सूखा धनिया डाला ना, ये देसी धनिया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। खुशबू आ रही है मसालों की, जावित्री नहीं थी मेरे पास, बस इसमें जावित्री भी जाती है, खैर वो मेरे पास नहीं थी तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये हो गए ऑलमोस्ट सोते हो गए ये, कैमरा नहीं फ्राई पैन नहीं लिया, थोड़े शोर कर लेते हैं, इससे आप 1 kg पाए आराम से बना सकते हैं, बड़े होंगे छोटे कोई भी बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ पाए की रेसिपी भी शेयर करूंगी। ओके ओके, हो गए अभी सोते हो गए, मैं जल्दी से ब्लेंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ओके जल ना जाए। तो ये देखें जी, मैं सारे मसाले डाल चुकी हूँ ऊपर, बीच में सारे इंग्रेडिएंट डाल चुके हैं, जनाब पाया मसाला बिल्कुल रेडी है। ऐसे जाफरी फितरी की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, थोड़ा थोड़ा है इसमें, बिल्कुल फाइन नहीं हुआ क्योंकि मेरी शायद चॉपर में प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हो गया फिर भी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।